हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। सो आज मैं छाड़ो के स्पेशल के लिए मटन बनाने जा रही हूँ, तो आइए देखते हैं। रेड चिल्ली पाउडर, मस्टर्ड ऑयल, हल्दी, सॉल्ट, कोरिएंडर पाउडर, कुमिनी पाउडर, मीट मसाला, गरम मसाला और गोटा गरम मसाला। मैंने 3 कटा हुआ आलू ली हूँ, यहाँ 2 गोटा लहसुन ली है। अदरक और लहसुन का पेस्ट बनाने जा रही हूँ। पेस्ट अभी रेडी, मैं अभी सूखा मिर्च और प्याज का पेस्ट बनाने जा रही हूँ। ये पेस्ट मेरा अभी रेडी हो गया। 1 चम्मच मस्टर्ड ऑयल ऐड कर रही हूँ मैरिनेट के लिए। लाल मिर्च 1 चम्मच, हल्दी 1 चम्मच, सॉल्ट 2 चम्मच, चम्मच मटन मसाला, 1 चम्मच जिंजर गार्लिक पेस्ट, चम्मच प्याज और लाल मिर्च का पेस्ट। अभी मैं इसको अच्छी तरह से मिक्स कर दूंगी। मेरा मैरिनेट हो चुका है, अभी मैं इसको 1 घंटा के लिए रख दूंगी। आप अपना मटन देख के तेल लीजिएगा। मैं यहाँ 25 ग्राम का मस्टर्ड ऑयल ली हूँ। आधा चम्मच मैं शुगर को ऐड कर रही हूँ, क्योंकि शुगर देने से थोड़ा कलर के लिए देती हूँ। मैं चॉप प्याज को डाल रही हूँ। मैं 4 ग्रीन चिली ऐड कर रही हूँ। आलू को फ्राई करने के लिए कुछ तेल डालूंगी पैन में। मैं आलू को फ्राई के लिए डाल दूंगी। आधा चम्मच मैं सॉल्ट ऐड कर रही हूँ, क्योंकि आलू अच्छी तरह से पक जाने के लिए। मैं यहाँ थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर को ऐड कर रही हूँ, आप अपना हिसाब से करिएगा। कलर के लिए कश्मीरी मिर्च, 1 टर्मरिक पाउडर, जीरा पाउडर, 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1 चम्मच मटन मसाला। इस तरह से इसको मिक्स कर देंगे। इसमें जिंजर गार्लिक का पेस्ट ऐड करूंगी। प्याज और सूखी मिर्च का पेस्ट को ऐड कर रही हूँ। नमक ऐड कर रही हूँ मसाले को भूनने के लिए। अभी 20 मिनट तक इसको पकाती रहती हूँ। चम्मच मसाला, मटन मसाला ऐड कर रही हूँ। अच्छी तरह से मिक्स कर दूंगी। अभी मैं 1/2 कप पानी डाल रही हूँ।
मटन को ऐड कर रही हूँ। देखिए अभी मैं अच्छी तरह से इसको मिक्स कर दी हूँ मटन को। इसको मैं धीमी आंच पर 15 मिनट तक मैं इसको पकाऊंगी, तो मैं अभी 15 मिनट तक पकने देती हूँ पानी के साथ। 20 मिनट हो गया है, अभी मैं इसको उठा के देखूंगी। अभी मैं इसमें गोटा लहसुन को ऐड कर रही हूँ, अभी थोड़ा मिक्स कर देते हैं इसको। अभी मैं इसको और 15 मिनट तक पकने देती हूँ। बीच बीच में थोड़ा मटन को चलाते रहिएगा, क्यों नहीं तो नीचे में लग जाएगा, जल जाने का भी चांसेस रहता है, इसीलिए थोड़ा थोड़ा चलाते रहिएगा बीच बीच में। देखिए मैं अभी इसको निकाल के आलू को थोड़ा डाल दूंगी मटन में। अभी अच्छी तरह से इसको चला दूंगी। अब मैं थोड़ी देर तक 15 मिनट तक आलू को पकने के लिए छोड़ देती हूँ। मैं अभी इसमें गर्म पानी को ऐड कर रही हूँ। अभी इसको अच्छी तरह से मिक्स कर देती हूँ। अभी लास्ट में एक चम्मच गरम मसाला ऐड कर रही हूँ, कर दे रही हूँ धनिया पत्ता। आज की रेसिपी आपको कैसा लगा तो मेरे को कमेंट सेक्शन में आप जरूर बता सकते हैं, और आप घर में मिट्टी का हंडी ला के बना सकते हैं। आप लाइए, खाइए और मेरे को कमेंट सेक्शन में बताइए। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आया तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना भूलिएगा नहीं। थैंक यू।